हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। देखो, मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक्चुअली में एडमिशन लेना चाहते हैं वेटनरी में, बट किसी वजह से उन्होंने नीट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या फिर नीट एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने नीट एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर आपके नीट एग्ज़ाम में कम मार्क्स है या फिर किसी तरीके से आपका नीट एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, तो उस केस में आप कैसे वेटनरी में एडमिशन ले सकते हैं? तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा, वो आपको करने पड़ेंगे और हो सकता है कि आपका नीट में एडमिशन हो जाए। देखो, सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको बताना चाहता हूँ, जो 100 सीट्स होती है, अगर आप मान के चलेंगे वेटनरी कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं, तो उसमें से ओनली 15% सीट्स, मतलब सिर्फ 15 सीट जो है वो नीट के थ्रू भरी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो आप बोलेंगे सर 85% सीट्स फिर कैसे भरी जाती है? तो 85% सीट्स भरी जाती है जो स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है, स्टेट लेवल काउंसलिंग से भरी जाती है। अब हो सकता है कि आपके वहाँ स्टेट लेवल काउंसलिंग जो होती है वेटनरी के लिए, उसके लिए कोई अलग से एग्जामिनेशन होता हो वेटनरी के लिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में अलग से एग्ज़ाम होता है, मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट। तो ऐसे ही आपके स्टेट में भी अलग से वेटनरी का अलग से एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एक तो ये मेथड हो गया जिसमें आप स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो गया कि अगर आपके कम मार्क्स हैं और आपको एडमिशन लेना है वेटनरी में, तो आप लोग जा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट की तरफ। बिकॉज अभी काफ़ी सारे कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल चुके हैं। राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो 5 to 6 प्राइवेट कॉलेजेस खुल चुके हैं, और अगर आप देखेंगे हरियाणा में, पंजाब में, अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। एक बार आप सर्च करिए प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया, प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस इन इंडिया, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा और वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर बहुत ही कम नंबरों में भी एडमिशन मिल जाता है। बस वहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बट वहाँ पर आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है वेटनरी की। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने डिटेल बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर कॉलेजेस है, वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको टोटल लिस्ट दी है प्राइवेट कॉलेजेस की। इसके अलावा और कोई मेथड है क्या? तो यस, आपके पास एक और मेथड है, आप लोग एब्रॉड जा कर के वेटनरी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर वेटनरी करने के लिए हमको एब्रॉड जाना पड़ेगा। यस, बिल्कुल आप जा सकते हैं और वहाँ पर फ़ीस काफ़ी कम होती है। आप रशिया जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं, यूक्रेन जा सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ये करवाते हैं। आप कांटेक्ट करिए अपने आसपास जो भी एमबीबीएस के लिए करवाते हैं ना ये काम, जो भी एमबीबीएस के लिए कराते हैं, जो भी फॉरेन से एमबीबीएस करते हैं, तो आप ऐसी एजेंसीज होती है जो कि आपको फॉरेन से या फिर अब्रॉड से वेटनरी करवा सकती है। तो तीसरा आपके पास मेथड ये हो गया कि आप फॉरेन से वेटनरी कर सकते हैं। सो तीन मेथड मैंने आपको बताया है, स्टेट वेटनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम। सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था कि आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। थर्ड मेथड मैंने आपको बताया फॉरेन में जा कर के वेटनरी कर सकते हैं। तो ये तीनों ही मेथड में आपको नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको वेटनरी में कोर्स करना ही है और आपको नीट नहीं दी आपने, तो हो सकता है कि आपको डिग्री कोर्स ना मिले, बट आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। यू कैन डू डिप्लोमा कोर्स विदाउट विदाउट नीट ऑल्सो। सो यू कैन डू डिप्लोमा कोर्स। अगर आपको डिग्री कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता, अगर आपने नीट नहीं दिया, देन यू कैन गो फॉर डिप्लोमा कोर्स ऑल्सो। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली एडमिशन ले सकते हैं वेटनरी में विदाउट नीट। तो ये लीगल मेथड्स है और आप बिल्कुल ये अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे जितना नॉलेज था मैंने शेयर करने की कोशिश करी है, और प्राइवेट कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसके लिए आप मेरे चैनल पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने उसका पूरा मेंशन करा है। मैं वैसे यहाँ पर आई बटन में लगाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर कहीं आएगा वो तो देख लेना एक बार, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं वेटनरी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।